नमस्ते माया, मेरा वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ऐसा टॉपिक लेके आ रही हूँ जो ये रियलिटी, ये समाज होता है ना, इसमें लोगों की थिंग्स होती है ना, उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों से कुछ बयान करना चाहती हूँ। क्योंकि कई बातें ऐसी होती है कि इंसान को ना अंदर तक जाके तहस पहुँचाती है, तो मैं उन्हीं बातों के आज आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती इस वीडियो में, कोई ऐसा है या कोई वैसा है, आज भी कोई कम है या कोई बुरा है। आज के ज़माने में अपनी जगह पर रहता ना, सब टैलेंटेड होते हैं। मैं किसी के, मेरा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, ना ही किसी से नीचे दिखाने का कोई तरीका है। मैं बनाती हूँ वीडियो, मेरे लिए बनाती हूँ, मेरे को पसंद है। मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, इसलिए मैं बनाती हूँ। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए है, किसी के जलाने के लिए ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाती भाई। हाँ कि इससे लोगों को टेंस पहुँचे, लेकिन फिर भी लोगों की कई बातें ऐसी होती है कि ना पता नहीं वो क्यों। मैं तो आज तक किसी के लिए गलत नहीं बोलती। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उन सबको। स्टार्टिंग थी मेरा जब मैं टिकटॉक बनाती थी, स्टार्टिंग में दो चार वीडियो बनाती, कौन फेमस होता है यार, कोई नहीं होता। मैं बनाती थी नॉर्मल, आसपास के सब लोग मेरे मजाक उड़ाते थे, वो सब जानते हैं कि वो मैं किसके बारे में कह रही हूँ। अगर वो वीडियो देखते हैं ना तो सब जानते हैं, पर मैं उनका नाम नहीं देती। उस टाइम पे मेरा मजाक उड़ाते थे, फिर भी मैं टिकटॉक पे फेमस थी। और आज अब मैं इंस्टाग्राम बनाती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी स्टार्टिंग में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे में, मतलब मैं वीडियो बनाती थी उसमें कमियाँ निकालते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि तू बहुत अच्छा बनाती है, इससे मैं और भी अच्छे वीडियो, मतलब जैसे भी बनाती हूँ मैं अपने हिसाब से, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं बनाती मैं, बनाती हूँ। फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे भी फेमस हूँ, आज मैं टिकटॉक यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पे भी मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की बातें रहती है। किसी को आज का ये लोग, ये मतलब ये समाज ऐसा है ना, किसी को आगे तो क्या बढ़ने दे, उसको नीचे गिराता है। आई भाई, किसी को सपोर्ट नहीं करो तो किसी को क्यों वो करें, किसी के लिए क्यों गलत कहें। अगर मत करो सपोर्ट, किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को सपोर्ट करने की, लेकिन कभी किसी के लिए गलत भी नहीं बोले भाई, नहीं करना है तो मत करो। मैं तो कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती स्टार्टिंग। अरे यही नहीं, ये हमारा मीणा समाज तो ऐसा है, इसमें तो सब बातें करते हैं। स्टार्टिंग में मैं वीडियो बनाती थी, सब लोग ऐसे कहते थे ऐसी है बहू, ऐसी है सब, ऐसी है। लेकिन आप पहले स्टार्टिंग में मेरे को भी मेरे घर वाले ऐसे बोलते थे भाई वीडियो मत बनाया कर, सब डांटते थे मेरे को हर जगह, मेरे सास वगैरह करते थे। लेकिन आज वो सब मेरे को सपोर्ट करती है, कुछ ही नहीं कहती भाई आप बनाती है। मैं कही भाई मैं बनाती हूँ, मेरी मर्यादा में देखी वीडियो बनाती हूँ मैं, आप हमारे समाज की मैं भी लिहाज रखती हूँ, हमारा समाज का मैं भी लिहाज रखती हूँ। मैं समाज से हट के या ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाती जिसमें लोगों को किसी को ठेस पहुँचे, बस एक नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ भाई। रहा किसी की बनाने की बात कि भाई किसी में टैलेंट है तो दिखाओ ना यार, मैं थोड़ी मना करती हूँ कोई भाई टैलेंट, अपना टैलेंट मत दिखाओ। मेरे अंदर है जुनून है, मेरे अंदर एक लगन है, मैं घर का पूरा काम करती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कोई काम नहीं करती, मैं, मेरे दो बच्चे भी हैं, बच्चों को भी संभालती हूँ, उनको पढ़ाती भी हूँ, उनको ट्यूशन भी कराती, मतलब ट्यूशन भेजती हूँ, स्कूल से लेकर ट्यूशन तक का सारा काम करती हूँ। घर का भी, या किसी से पूछना मेरे घर से कभी मिलो ना घर वालों को, सुबह उठती हूँ ना घर का पूरा काम करती हूँ, मैं बनाती हूँ खुद का, मेरा जो टाइम बचता है ना उसमें वीडियो बनाती हूँ किसी को ठेस पहुँचाने के लिए, या अपने मन में किसी को करने के लिए वीडियो नहीं बनाती। क्या बोलूँ, लेकिन लोग है ही ऐसे ही समाज के, तो किसी को ऊँचा उड़ते हुए देख ही नहीं सकते। खैर कोई नहीं, मैं बनाती हूँ मेरे हिसाब से बनाती हूँ, कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तभी तो आप लोग लाइक करते हो ना मेरे को। हर किसी को तो मैं हर किसी के लिए तो फोर्स नहीं करती, तभी मेरे वीडियो वायरल होते हैं, ऐसे तो नहीं रहता ना कि हो जाता है। इसलिए यही है, अगर किसी में टैलेंट है दिखाओ, मैं सपोर्ट करती हूँ कि अगर किसी में है तो दिखाएगा, कोई ऐसा नहीं है भाई अपने अंदर ही रखो किसी को, भाई गए हो तो बनाओ, ये कोई वो नहीं रहता। इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो में मैं किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती थी। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी तो तहे दिल से क्षमा करना, क्योंकि मेरे अंदर लोगों की बातें सुन के मेरे को भी दुख होता है यार, क्यों बातें करते हो, अगर क्यों करते हो किसी के बारे में, क्यों गलत बोलते हो, बोलो तो अच्छा बोलो ना, अगर नहीं अच्छा बोल सकते तो अपने मुंह को ही बंद रख लिया करो, ये तो आता है ना मुंह बंद करना, तो आता है ना आपको अच्छा बोलना नहीं आता, तो इसलिए प्लीज़ आप मेरे को जो गलती हो माफ़ कर देना। थैंक यू इस वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं आप सभी के।